लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कहाँ है वो? कौन? कौन कहाँ है कुंवर साहब? वही नूरानी चेहरा जिसने कल रात हमारे अंधेरे घर में रोशनी बिखेर दी थी, जिसकी खुशबू इस हवेली की दीवारों में अभी तक रची हुई है। किसकी बात कर रहे हैं आप? उसकी बात, जिससे बात करने के लिए हमारी जबान मुद्दत से तरस रही थी। उसकी बात, जिसकी बात हम तुमसे हमेशा करते आए हैं। लगता है सरकार ने फिर कोई ख्वाब देखा है। नहीं, हमने ख्वाब नहीं, ख्वाब की ताबीर देखी है। उस जागती आंखों के ख्वाब को हमने अपनी आंखों से देखा है दुर्गा सिंह। इन हाथों ने छुआ है उसे। हाय, कैसी तपिश थी उसमें। एक चमकता हुआ सूरज जिसमें चांद से भी ज्यादा ठंडक थी। वहम का क्या इलाज करें कुंवर साहब, मैं खुद आपको अकेले छोड़ गया था। हमें कुछ याद नहीं, हमें सिर्फ इतना पता है कि अगर हम उसे अब भी ना पा सकें तो हम अपने आप को हमेशा के लिए खो देंगे। बिल्कुल वही खूबसूरत मोड़ जो हमारी जिंदगी की धारा बदल सकता है, हमारा जीवन साथी बन सकता है। काश ये सच होता, वो यहां आई होती। दीवान दुर्गा सिंह, इसे कोई छोटा मोटा हादसा मत समझो, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। हुजूर, गुस्ताखी माफ़ हो हुजूर, गांव के एक लड़के खरगोश के पीछे भागती इधर आई थी, हमें सुंदर लगी तो हम उसे उठाकर कुंवर साहब के पास ले गए। कुंवर साहब समझिए, सब मुश्किलें आसान हो गईं। वो लड़की आपको मिलेगी, हर सूरत मिलेगी। लेकिन दुर्गा सिंह कैसे? कैसे? कुंवर साहब, बुध को गांव में मेला है, 12 कोस से लड़के लड़की वहां जमा होकर नाचते हैं गाते हैं। मेरा यकीन है वो लड़की वहां जरूर आएगी। आप बस एक बार इशारा कर दीजिए, बाकी खाकसार पे छोड़ दीजिए। देख ले। अरे, तेरे लिए लाई हूं। ये तो बहुत अच्छा। इसे मैंने अपने हाथों से सिया है। तूने कब से सीना पिरोना सीख लिया? जब से घर का कामकाज शुरू किया है। अरे वाह, बड़ी सियानी हो गई है। ये क्या बनाया? ये मोर है। मोर? गोपी, मेले में तो यही जोड़ा पहन कर आना, नहीं तो मैं तेरे साथ नहीं नाचूंगी। ठीक है, और अगर मुझे तेरे हाथों से ले कपड़े पहनने की आदत पड़ गई तो? इसलिए तो कहती हूँ, तूने मेरे को तो मुझसे चुरा ही लिया है, बापू से भी मांग ले। तू ठीक कहती है साहिबा, अभी फासला सहा भी नहीं जाता। सुना है मेले वाला दिन मिलने वालों के लिए बहुत शुभ होता है। कहते तो ऐसे ही। ठीक है, शुभ बात शुभ दिन को ही करनी चाहिए। मेले से वापस आते ही तेरे बापू से मिलूंगा और उनसे बात करूंगा। ठीक। कीजिए, मैंने आपको देखा ना था। नहीं नहीं, कसूर आपका नहीं, गलती तो मेरी थी, मैं अपने धुन में खोया चला जा रहा था। जय देव जय। दुर्गा सिंह जी, तुम हमारे साथ रहकर वक्त जाया मत करो, साहिबा के बाप के पास अभी चले जाओ। अभी? कुंवर साहब कुछ सब्र कीजिए, ऐसी बेताबी भी क्या हुई? दुर्गे, हमारे लिए एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल हो गया है और तुम सब्र की बात करते हो। कुंवर साहब, ऐसी बातों के लिए कुछ रस्में होती हैं, किसी पंडित से दिन ग्रह की बात करनी पड़ती है। हम कुछ नहीं जानते दुर्गे, जो कुछ भी करना है अभी करो, हम शाम तक तुम्हारी वापसी का इंतजार करेंगे। और हाँ,
सगाई की रस्म और शादी की तारीख तय करके ही आना। ठीक है, मैं शगन की मिठाई ले जाता हूँ और सगाई की तारीख पक्की करके ही लौटता हूँ। गोपी, गोपी, तू बापू के सामने शादी की बात खुद कैसे करेगा? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, तो मैं कर लूंगी। अरे हट, अपनी शादी के बाद मैं खुद करूंगा, ये तू करेगी? तो क्या कहेगा बापू से? क्या कहूंगा मैं? हाँ, आंखों में फरियाद लेके तेरे बापू के कदमों में गिर जाऊंगा और कहूंगा ये फूलों से लदा हुआ बूटा मुझे दे दे, हाँ, मुझे दे दे। और अगर बापू ने कहा कि शादी में तू क्या लेकर आएगा तो? क्या लेकर आऊंगा? बारात लेकर आऊंगा और क्या? हाँ, हो सकता है उसमें सिर्फ भेड़ बकरियां हो। भेड़ बकरियां? अरे हम सोना चांदी वाले थोड़े ही हैं, दिल वाले लोग हैं। हम उन आशिकों में से हैं जो अपने हाथों से नहर खोद कर तो ला सकते हैं मगर ताजमहल नहीं बना सकते। गोपी, चल 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 चल। फिर वो तू मेल ले? मैंने गया गया था, वो भीड़ तापी थी, इसलिए वापस आ गया। अच्छा, ये उंगली क्यों पकड़ रखी है तूने? नहीं तो थोड़ा दम था ना। ओ तेरा भला। अरे भगवान, जब अकल बांट रहा था उस वक्त तू कहाँ था? तब तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था। ओए, आप कैसे हो बालक राम? जी मैं तो बहुत अच्छा हूँ जी, लेकिन आपके कदम इतने बरसों बाद यहाँ पड़े, कहीं बाहर गए थे क्या जी? नहीं, कुंवर साहब के कामकाज का फैलाव इतना ज्यादा है, आंख चपकने की फुर्सत तक नहीं मिलती। ले आओ भाई, रख दो। जी ये क्या लाए जी आप? खुशखबरी। खुशखबरी? मैं कुछ समझा नहीं जी। मैं पहले पहल तो मैं भी नहीं समझा था। ये कुंवर विजयपाल सिंह जी का पयाम है। कैसा पयाम जी? उन्होंने आपकी बेटी का हाथ मांगा है। आप पहले तो कभी ऐसा मजाक नहीं किया करते थे जी। ये मजाक नहीं है बालक राम, हकीकत है। यकीन नहीं आता तो ये देखो। साहिबा की अम्मा। ए साहिबा की अम्मा। क्या बात है जी? साहिबा की अम्मा, कुंवर विजयपाल सिंह ने साहिबा का रिश्ता मांगा है जी। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नहीं नहीं, दिमाग नहीं खराब हो, ये देख देख, शगुन भी भेजा है। अरे ऐसी बातें क्या दुकान में बैठ के की जाती, इन्हें अंदर तो ले आ। हाँ हाँ, लाता हूँ जी। आप अंदर विराजो जी, मैं अभी आया। साहिबा की माँ, आइए आइए। कुंवर साहब ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते, इसलिए पंडित से सब कुछ पूछ लिया है। सगाई इसी शुक्र को होगी और रस्म की अंगूठी कुंवर साहब खुद यहाँ आके बनाएंगे। हमें सब मंजूर है, मगर ये रिश्ता पक्का तो है ना? अजी क्या बात कर रही हैं आप, पक्का? बिल्कुल पक्का। भगवान का नाम लीजिए और मुंह मीठा कीजिए। है देवी माँ, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने कैसा करिश्मा कर दिखाया। मुंह तो मीठा कीजिए। साहिबा, साहिबा। माँ। बेटी, तेरे भाग खुल गए। लगता है पिछले जन्म में हमने कोई अच्छे कर्म किए हैं। आज बड़ा शुभ दिन है बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। ले ले, मुंह मीठा कर दे बेटी। अरे खेरू, सुन सुन सुन, और फिर लाना ना भूलना, जा जल्दी। अभी लेके आ बेटा। चाचा। जय देवा चाचा। जी तेरे, जी तेरे। कैसा है तू? वो चाचा मैं। हाँ क्या बोलना चाचा? तू मुझे अपना बेटा बना ले। अरे बेटा तो तू है ही मेरा। कुछ चाहिए तो बोल, आज मैं बहुत खुश हूँ, मांग ले। क्या मांगता है चाचा? हाँ हाँ चाचा, साहिबा को तू मेरे पल्ले से बांध दे। साहिबा और मैं एक हो चुके हैं चाचा, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते चाचा। तुझे पता है तू क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ चाचा। तू बेशक साहिबा से पूछ ले। साहिबा से क्या पूछना, मैं बताती हूँ तुझे। हमारे टुकड़ों पर पलकर हमें लूटना चाहते हैं। बाकी अम्मा, ए साहिबा की अम्मा। चाची 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 चाची, जहाँ अपने टुकड़ों पर मुझे पाला है, एक पुण्य और कर दे, मुझे साहिबा भीख में दे दे। ये जो कह रहा है ठीक कह रहा है, हम एक
दूसरे के बिना नहीं जी सकते। तारीख लगा दी ना हमारे मुंह पर, अच्छा होता जो जन्म लेते मर जाती। इसका कसूर नहीं है चाची, इसे मत मार, इसे मत मार, नहीं इसे मत मार, इसे मत मार चाची, नहीं इसे मत मार। तू भले मेरी खालू भेड़ दे, लेकिन लेकिन साहब को मेरे से चाची, सुन सुन चाची, चाची 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 मेरी बात तो सुनिए चाचा। तेरे बापू ने तुझे सर पे चढ़ा के, खबरदार जो उसका नाम भी लिया तू। क्या करूं मैं,